अब उसने क्या किया, वो स्थिर मुग्ध दृष्टि से खाई की तरफ देखने लगा। खाई के मतलब वो चुपचाप होके खाई की तरफ दिमाग उसका लग गया, खाई की तरफ देखने लगा। अचानक में वो कूदने ही वाला था कि एकाएक उसने देखा कि पानी में उसका प्रति मतलब उसकी छाया ही पानी में दिखाई पड़ रही है। अब उसने क्या किया, उसकी प्रतिबिंब है तो मानो वो कह रहा कि बस, मानो कह रहा है बस, अपने आपस में लड़ चुके हैं, अपने आप से लड़ चुके हैं वो, मतलब अब आप अपने आप से लड़ चुके। ज्ञान सहम कर रुक चुका, रुक गया। फिर धीरे धीरे दीवार पर से नीचे उतर आया और किले में चक्कर काटने लगा। और उसने जान लिया कि जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम निरंतर आसानी की ओर आकृष्ट होते हैं। ज्ञान जो है अपनी सीधे, जब वो परेशान हो जाता है कि धर्म के विरुद्ध लड़ा, उसे लगता है कि वो भगवान का मुखिया बना के भगवान ने उसे भेजा है और वो संसार को सही रास्ते पे ले आएगा। तो पहले वो उसे लगता है कि धर्म है, वो धर्म से लड़ता है। फिर उसे लगता है नहीं धर्म नहीं समाज है, वो समाज से लड़ता है। फिर उसे लगता है नहीं समाज नहीं, ये विदेशी हैं जो हमें बंधनों में बांधे हुए हैं, विदेशियों से लड़ता है। विदेशी नहीं, फिर उसे लगता है कि नहीं भूख है, क्योंकि भूख के पेट रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो भूख से लड़ने लगा। लड़ाकों का दल बना लिया उसने। अब जो धनिक थे उनके उनके जो पैसे वाले थे उनका पैसा लूट के वो गरीबों में बांटने लगा। गरीब जो धनिक थे उन्होंने उसे पकड़ के उसे किले में कैद करवा दिया। वहाँ पे वो अपने जीवन से इतना त्रस्त हो जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है। अपने जीवन से बेबस होकर वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है। और ख़त्म करने के लिए जैसे ही वो कूदने जाता है तभी उसे अपनी छाया पानी में दिखती है। और वो प्रतिबिंब मनो उससे कहता है, मतलब उसकी छाया उससे कहती है बस हो गया, लड़ ली अपने आप से। तब वो एकदम से रुक जाता है और उसे वही दीवार से धीरे धीरे नीचे किले में आ जाता है। और उस समय उसे ये पता चलता है कि जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, कि हम आसान रास्ते, मतलब हम सब लोग, चाहे आप हो हम हो, सब हम लोग क्या करते हैं कि हम इजी वे को, उसकी आसानी से जो चीज़ मिल जाए हम उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, कि हम निरंतर आसानी की ओर आकृष्ट होते हैं। तो आसान रास्ते जो हैं वो आपको पहुँचाते ज़रूर हैं, लेकिन वो निश्चित नहीं होते हैं। तो आसानी से प्राप्त किए हुए मार्ग जो हैं वो हमेशा पथभ्रष्ट ही करते हैं। ठीक, ये शब्द अर्थ, ये शब्द अर्थ लिखिएगा। और उसके बाद ये मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न को मौखिक की तरह लिखिए। ठीक है, ज्ञान ने सोते समय किसे देखा, भगवान ने ज्ञान से क्या कहा, ज्ञान ने चौराहे पर खड़े होकर क्या कहा, लोगों ने उसकी बात सुनकर क्या किया, ज्ञान ने सबसे पहले किससे और क्यों लड़ने का निश्चय किया, ज्ञान धर्म के विरुद्ध प्रचार किसी ने क्यों नहीं सुना, स्त्री क्यों रो रही थी, ज्ञान ने उसकी क्या मदद की, ज्ञान को किसने और क्यों पकड़ा, ये सारे प्रश्न उत्तर ध्यान से करिएगा। और मौखिक है तो छोटे छोटे लिखिएगा, जो लिखित हैं बड़े लेंदी उनको बड़ा करके लिखिए, लेकिन इन सबको छोटा करके लिखिएगा। ठीक है।